उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल को बैलेंस करने में हर एक सरकार रहती है, इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। बड़ी खबर यह है ओपिनियन पोल की कि उत्तराखंड में कुमाऊं में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुमाऊं में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये हम बता रहे हैं। 5 से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और कांग्रेस को मिल रही हैं 11 से 17 सीटें, यानी कांग्रेस फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक रही है इन चुनावों में वो शून्य पर है। अभी तक उसका खाता नहीं खुल पा रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और किसी अन्य की भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। तो बड़ी खबर यह है ओपिनियन पोल की कि कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं में बढ़त बना ली है कांग्रेस ने 11 से 17 सीटें। सीधा रुख करेंगे रोहित जी का। बिल्कुल प्राची, तो बिल्कुल आपने बड़ी खबर बताई और आगे बढ़ते हैं और सीधा राजेंद्र देव के पास चलते हैं। राजेंद्र बताइए अगला सवाल क्या है। बिल्कुल ओवरऑल पहले बता देते हैं रोहित जी के कुल मिलाकर चीजें बन क्या रही हैं, कुल मिलाकर पिक्चर क्या बन रही है ये अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें। कुमाऊं क्षेत्र की आप देखिए कुल सीटें हैं 20 यहां पर, और अगर दिसंबर 2021 के सर्वे की बात करें उस वक्त कांग्रेस पार्टी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 7 से 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी, लेकिन जनवरी का महीना आते आते 2022 का 5 से 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, लॉस में यहां पर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दिसंबर 2021 में यहां पर वो कमजोर पोजीशन थी, 9 से 15 सीटें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जनवरी 2022 में 11 से 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को। आम आदमी पार्टी दिसंबर के महीने में पिछले साल के आखिरी महीने में भी कोई सीट हासिल करती दिखाई नहीं दे रही थी, और इस महीने में भी वही शून्य पर खड़ी दिखाई देती है, और यही स्थिति अदर्स की भी है, अन्य की भी है। अब हम वापस चलेंगे हमारे संपादक रोहित जी के पास। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो ये आपने स्थिति बताई कि किस तरह से कुमाऊं की आपने बात बताई कि तस्वीर लगातार बदलती गई आगे आगे, जिस तरह से जनवरी के महीने तक पहुंचे और कुमाऊं में भी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर।